हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं हम सभी के फेवरेट कैरेक्टर शक्तिमान की। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। 90s के टीवी दर्शकों का एक सपना सच होने जा रहा है। उनके बचपन का फेवरेट और भारत का पहला सुपर हीरो शक्तिमान अब बड़ी स्क्रीन पर आने वाला है। इस साल फरवरी में मुकेश खन्ना और सोनी पिक्चर्स ने अनाउंस किया था कि उन्होंने शक्तिमान एक 3 पार्ट की फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। अनाउंसमेंट के साथ एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया था जिसमें शक्तिमान का सूट एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहा था। शक्तिमान ट्रायलॉजी को लेकर फैंस अभी भी एक्साइटमेंट संभाल ही रहे थे कि कुछ दिन पहले रणवीर सिंह को इस फिल्म में लीड रोल ऑफर करने की खबर आ गई। रिपोर्ट्स में सामने आया कि इस रोल के लिए धमाकेदार एनर्जी वाले स्टार रणवीर सिंह को अप्रोच किया गया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म को डायरेक्टर भी मिल गया है। बताया जा रहा है कि अजय देवगन के साथ तानाजी पर काम कर चुके ओम राउत इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। बताया गया है कि मेकर्स ने पंडित गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओमकारनाथ शास्त्री उर्फ शक्तिमान को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए ओम राउत को अप्रोच किया है। अगर ये खबर सच होती है तो यकीनन शक्तिमान बहुत भरोसेमंद हाथों में है। ओम ने अजय देवगन और सैफ अली खान की तानाजी डायरेक्ट की थी। फिल्म ने 350 करोड़ से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो किया ही, मगर फिल्म में VFX और स्पेशल इफेक्ट्स में ओम की मास्टरी को क्रिटिक्स ने खास तौर पर नोटिस किया था। ओम राउत इस वक्त पैन इंडिया स्टार प्रभास के साथ फिल्म आदि पुरुष पर काम कर रहे हैं। रामायण पर आधारित ये फिल्म एक शानदार विजुअल वाली कहानी होगी। प्रभास के साथ फिल्म में सैफ अली खान, कृति सैनन और सनी सिंह भी हैं। शक्तिमान एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें स्पेशल इफेक्ट्स का काम बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर ओम राउत इसे डायरेक्ट करते हैं तो कम से कम एक बात की तो गारंटी है कि विजुअल्स के मामले में फिल्म बहुत बेहतरीन होगी। साथ में रणवीर सिंह की एनर्जी का जादू चला तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी इतिहास रच देगी। तो दोस्तों, आपको कितनी खुशी हुई ये सुनकर और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म शक्तिमान के लिए? और क्या आपको लगता है कि रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।